माए महफिल बूद शब जाए के मन बूदम मैं नाराय मस्ताना मैं शोकी रंदाना मैं नाराय मस्ताना मैं नाराय मस्ताना मैं नाराय मस्ताना मैं नाराय मस्ताना ताहिरे लाहूती मैं जौहरे मलकूती मैं ताहिरे लाहूती मैं जौहरे मलकूती नासूत ने कब मुझको नासूत ने कब मुझको मैं ताहिरे लाहूती मैं जौहरे मलकूती नासूत ने कब मुझको इस हाल में पहचाना तूने कब मुझको इस हाल में पहचाना तू नहीं मानता इंसान का फना हो जाना मैं अभी रक्स करूं होके दिखाऊं तुझको मैं जो हरे मल आज आपको प्रोग्राम मिलेगा मैं बड़ा माजरत ख्वाऊं आपसे मैंने बहुत इंतजार करवाया आपको बहुत सारे मैसेजेस मुझे मौसूल हुए कि क्या अब आपका दिल नहीं करता है रेडियो करने का क्या अब आपसे मोहब्बत में कोई कमी आ गई है क्या ऐसा नहीं है मेरा बस चले मैं आपके कदमों की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाऊं लेकिन क्या करूं जिंदगी एक है और तलबगार दो जा अकेली मगर जा के हकदार दो दिल बता पहले किसका करूं हक अदा मैं जौहरे मलकूती मैं ताहिरे लाहूती नासूत ने कब मुझको इस हाल में पहचाना मैं फूलू हूँ शबनम हूँ मैं जलवा जाना ना मैं नाराय मस्ताना मैं शोकी रंदाना मैं नाराय मस्ताना मैं नाराय मस्ताना मैं नाराय मस्ताना मैं नाराय मस्ताना आइए बैठिए रिंदाना बज्म का आगाज हो चुका मैं तायरे लाहूती मैं जो हरे मलकूती मैं वो सबरे समीम हूँ जिसने बारे अमानत सर पे लिया था परवरदिगारा कुछ ख्याल कर मैं वो सबरे समीम हूँ जिसने बारे अमानत सर पे लिया था परवरदिगारा कुछ ख्याल कर हम तेरे कुन का भरम रखने आए हैं क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं मैं वासफ़ बिस्मिल हूं मैं रौनक महफिल हूं सलामत रहे आप लोगों का मोहब्बत आप लोगों का इश्क सलामत रहे उठा पैर होने उठा ही खैर होने एक टूटा हुआ दिल हूँ एक टूटा हुआ हाय मैं वासफ़ बिस्मिल हूँ मैं रौनक महफिल हूँ
मैं वासिफ़े बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में वीराना, मैं शहर में वीराना, मैं रौनक महफिल हूँ, मैं वासिफ़े बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, टूटा हुआ दिल हूँ मैं। जुमला आपके हवाले करूंगा, हाथ बांध कर देखूंगा। जब असरार कह रहे हैं कि एक टूटा हुआ दिल हूँ, न जाने कितने लोग हाय ये समझ रहे होंगे, ये निकलने वाली हाय कुछ इस तरह से समझ रहे होंगे कि न जाने किसने दिल तोड़ दिया, किसने दिल जो है वो तोड़ कर कहीं और रख दिया। सुनने वाले शायद हाय को कहीं और से सुन रहे होंगे। अब मैं ये जो हाय है आपके सामने रख रहा हूँ, जुमला खोल रहा हूँ, जुमला आपके सामने रख रहा हूँ और आपको देख रहा हूँ। एक टूटा हुआ दिल हूँ, जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि कोई बेवफाई कर गया, इसलिए नहीं कि किसी ने धोखा दे दिया। जानते हैं ये दिल टूटा क्यों है? क्योंकि इस दिल में जिसको बसाया है ना, कायनात छोटी है वो बड़ा है। ऐसे नहीं जाके इस हाल में बह जाना, मैं वासिफ़े बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, मैं वासिफ़े बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, एक टूटा हुआ। एक कुदरत का बहुत बेहतरीन कानून है, अगर कोई कमरा हो उसका कोई दरवाजा हो तो हर आने वाला आते हुए भी दरवाजे से आएगा, जाते हुए भी दरवाजे से जाएगा। मैं कदा सुना सा तुसा कदा सुन सो, यानी कि अगर आने वाला कमरे में एक बार आया है तो दरवाजे के पास वो दो बार आया है, अगर वो कमरे में दो बार आया है तो दरवाजे के पास वो चार बार आया है। वाह वाह, अगर वो कमरे में चार बार आया है तो दरवाजे के पास वो आठ बार आया है। मैं रौनक महफिल हूँ, मैं वासिफ़े बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, एक टूटा हुआ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में वीराना, मैं नारा है मस्ताना, मैं नारा है मस्ताना, मैं शोखे रिंदाना, मैं तश्ना कहां जाऊं। वेल जनाब, अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें तो अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाइएगा, वहां पर लिखिएगा 101 स्पेस मैसेज, सेंड करेंगे आप उसको 4471 पर। मैंने तरीका अभी बताया है और जो पहला पेज है मैसेजेस का वो ऑलरेडी फिल हो चुका है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आमिना मलिक मुल्तान से, आपका शो बहुत अच्छा होता है जी, बहुत शुक्रिया। मुनीर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुकद्दस तलागंग से हमें मैसेज कर रही हैं। अर्तजा फ्रॉम टैक्सला मंडी भावदीन से, किरण रियाज हमारे साथ हैं। पिंकी रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। एमन हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम झर, ये झर कहाँ पर है। मुनीर खान सवाबी से, सर जी आपका हाय बहुत ग्रेट है, हाय। अस्सलाम वालेकुम जिशान, कैसे हैं आप? मैं आमना हूँ। मैं ठीक हूँ आमना, मैं जिशान हूँ, तुम कैसी हो बेटा? ठीक हो, क्या कर रही हो लाइफ में? स्ताना, मैं
वेल जनाब, अगर आप मैसेज करना चाहें तो एज आई सेड बिफोर, अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाएं, 101 स्पेस मैसेज सेंड करेंगे उसको 4471 पे, यानी कि 4471 पर। मैं दशना कहां जाऊं, कीकर भी कहां जाना, मैं नारा है मस्तान। एक बड़ा बेहतरीन और बड़ा किए जाने वाला सवाल है जो आपने सुना बहुत होगा, किया ना भी हो सुना जरूर होगा, क्योंकि मैं दशना कहां जाऊं। आशिक हम बने फिरते हैं उनके, जिन्होंने सख्त से सख्त सवाल करने वाले के भी दिल पे हाथ रखा और कहा कि या अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे। लेकिन अगर कुछ सख्त सवाल हमसे हो जाए, ऑल दो के अपने आप को उनका आशिक गिरदानते हैं, लेकिन कुछ सख्त सवाल हम कर लें तो गुस्सा हो जाता है ना लोग। तो आपने सवाल ना भी किया हो, जहन में जरूर आया होगा या आपने सुना जरूर होगा, सवाल है कि मुर्शिद का होना जरूरी क्यों है, उस्ताद का होना जरूरी क्यों है, शेख का होना जरूरी क्यों है। बस अब ये प्रोग्राम जहाँ जाएगा आप उसके साथ जाएंगे, मैं उसके साथ जाऊंगा। और बाखुदा मकाम वो आन पहुंचा है कि मैं सुनने वालों की सफ में बैठ कर आपके साथ प्रोग्राम सुन रहा हूँ। अब सवाल ये है कि शेख का होना जरूरी क्यों है, उस्ताद का होना जरूरी क्यों है, मुर्शिद का होना जरूरी क्यों है, सवाल है ना। सवाल आपके जहन में हो, जवाब मैं देकर ना जाऊं, फिर मैं नौकरी उदी कीती नहीं। गली बेवफा। लेकिन बिफोर दैट कि हम इस सवाल के जवाब की जानिब जाएं, हियर कम्स द ब्रांड न्यू ट्रैक, द वन ऑफ हिज ओन काइंड, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फोक सिंगर ऑफ पाकिस्तान, अ वेरी रिनाउंड, अ वेरी हैपनिंग, वेरी फंटास्टिक। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नदीम अब्बास खान लूनेवाला। बिल्कुल नया नया जो ट्रैक है वो उनका मार्केट में आया है, और I'm gonna play track, the track called Gali Bewafawan Di. ये track का title है, इसको सुनते हैं और फिर इस गाने के साथ साथ कहीं ना कहीं सर झुका के हाथ जोड़कर जवाब आपके पहलू में डालकर अपना कासा उठाए चला जाऊंगा। इश्क जां का वबाल है मुर्शिद, आपका क्या ख्याल है मुर्शिद, इश्क जां का वबाल है मुर्शिद, आपका क्या ख्याल है मुर्शिद, मुर्शिद इश्क जां का वबाल है मुर्शिद, आपका क्या ख्याल है मुर्शिद, सारे ख्वाब कासे में डाल आया हूँ, और कोई सवाल है मुर्शिद। महला हर जायदा ए गली बेवफा, महला हर जायदा इस गली नामी, तू इतने दिल नामी, तमाशा जबना देने इस से आसुदा इस गली ना दिल नामी, ये गली बेवफा। आज हम एक बहुत जबरदस्त गेम भी खेलेंगे, और वो गेम ये खेलेंगे कि ठीक 12:30 पर, यानी कि 8 मिनट के बाद, मेरी कोई भी तस्वीर जो कि आपकी फेवरेट है वो आप इंस्टा पर अपनी स्टोरी पर लगाएंगे और मेंशन मुझे करेंगे। अगर आपकी और मेरी चॉइस मिलती हुई तो मैं उसी वक्त उस स्टोरी को रीमेंशन कर दूंगा अपनी स्टोरी के ऊपर, समझ गए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम ये गेम खेलेंगे, मेरी कोई भी तस्वीर जो कि आपकी फेवरेट हो या फिर उस तस्वीर से मिलती जुलती शायरी आप लिख सकते हो दो लाइन में, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। अगर कोई पसंद की है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं जैसे ही आपको 1 2 3 गो कहूंगा आप अपनी स्टोरी पर उसको अपडेट करेंगे, मुझे मैसेज नहीं करना है, आपने अपनी स्टोरी पर उसको अपडेट करना है और साथ मुझे मेंशन करना है और मैं उसको रीमेंशन करूंगा अगर आपकी और मेरी पसंद मिलती हुई तो। हंस हंस के दे
अखियां लाया हसप पानी चिराया ओ सप पानी चिराया हो सप पानी में चिराया सप पानी चिराया उस वेले सट घत आई जदो वक्त अखीर आया शान नासिर इज माय नेम यू कैन सर्च मी अप ऑन इंस्टा अगर आपने अभी तक नहीं किया और ज्वाइन करना चाहते हैं और इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन अ वेलकम शान नासिर लिखोगे मैं आपको मिल जाऊंगा ऑन इंस्टा हंस हंस के देंदे ने धोके दिल विच ने प्यार बना दी लिखी पौना वे अखियां लाया दा इस गली ना आयामी तू इथे दिल ना लामी तमाशा च बना देने इस सचियां सदाया दा इस गली ना अपलोड योर स्टोरीज मेंशन मी आप रब को लो मी नहीं यू डर दे एंड आई विल री मेंशन यू लेट्स सी हाउ वी गोना डू इट दाए मेरो जुदाया दा इस गली ना So you have a chance to get featured on my Insta. अच्छा तस्वीर के ऊपर आपने कुछ ना कुछ लिखना जरूर है मैं अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं लेकिन कुछ ना कुछ लिखना जरूर है कुछ भी लिख सकते हैं आप वट एवर लेकिन उसके ऊपर कुछ लिखना जरूर है आपने ये एक शर्त है इस गली ना आयामी तू इथे दिल ना लामी तमाशा च बना देने हिट आफ्टर हिट वन आफ्टर एन अदर After Nadeem Abbas, Lune Wala, here comes another prince, another Shahzada of folk music from Pakistan. Yes, I'm talking about Malku. Vichanga sada yare tu
चंगा साडा प्यार है, तू वे चंगा साडा यार है, तू वे चंगा साडा प्यार है, तू बुलावा मैं ते बोलदा नहीं, वे दुख सुख बोलदा नहीं, वे कदा गम खार है, तू वे चंगा साडा यार है, तू वे चंगा साडा प्यार है, तू वे चंगा साडा यार है, तू वे चंगा साडा प्यार है। किसी फिलहाल दो जो तस्वीरें हैं, जो दो पिक्चर्स जो हैं वो क्वालिफाई कर गई हैं और मैंने अपनी स्टोरी पर अपडेट कर दी ऑन माय इंस्टा, यू कैन सी देम। और उसमें से एक जो है पिक्चर अच्छी है, लेकिन पिक्चर से ज्यादा जो है उसके ऊपर जो कैप्शन लिखा गया था पहली वाली तस्वीर में, वो पाकिस्तान का झंडा जिसमें मैंने उठाया, वो कैप्शन की वजह से ज्यादा उसने क्वालिफाई किया है। अच्छा, बहुत सारे लोग पिक्चर्स डाल रहे हैं लेकिन मुझे मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो वो मुझ तक पहुंच नहीं रही है, तो जो मुझे मेंशन करेगा तो मुझ तक पहुंचेगी, मैं उसी को रीमेंशन कर पाऊंगा और उसी को करूंगा। बात है निशानियां तुम लोगों की यार, देखने तो दो पिक्चर्स। जे मेरा सच्चा प्यार है तू वे चंगा साडा, वे चंगा साडा, वे चंगा साडा यार है तू, वे चंगा साडा प्यार है तू। किसी इस वक्त तक जो क्वालिफाई किया है वो किया है मिशाल ने, माशा गयूर ने, उनके अलावा सोबिया मुनीर ने, अंबर ने, गुफरान हसन ने, शबनम ने और इमान अली ने। चंगा साडा यार है तू, वे चंगा साडा प्यार है तू, वे चंगा साडा यार है तू।
चंगा साडा प्यार है तू। जनाब गेम साथ साथ ये चलती रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक ये प्रोग्राम चलेगा ये गेम चलती रहेगी। मैं मीनवाइल साथ साथ जो है अपना इंस्टाग्राम देखता रहूंगा और आप लोगों की कॉल्स को भी हम साथ साथ एंटरटेन करते हैं, क्योंकि आज हम सेगमेंट करेंगे जो हम किया करते थे 1:30 के बाद जिशान नासिर के साथ। सो दैट इज द न्यूज फॉर यू। और यहाँ पर मौजूद जो मेरी कोऑर्डिनेशन टीम है वो भी बड़ी खुश हो रही है। चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए भी अच्छी न्यूज है। सो 1:30 का सेगमेंट जो हम किया करते थे वो आज हम करेंगे आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड, आई नो यू आर एक्साइटेड टू, और इंशाल्लाह 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 मजा आएगा। बट बिफोर दैट हम एक कॉल लेते हैं, लेट्स सी हमारे साथ कौन है, कहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है आप, कहां से। जी मैं लुबना नासिर बोल रही हूँ रावलपिंडी से। लुबना नासिर फ्रॉम रावलपिंडी, क्या हाल है लुबना नासिर आपके। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप बताएं, आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लुबना क्या करती हैं आप। मैं घर में होती हूँ। घर पे होती हैं तो, और इसके अलावा जी, इसके अलावा क्या करती हैं घर पे रहने के अलावा। घर पे रहने के अलावा घर के काम करती हूँ। अच्छा जबरदस्त, और क्या कहना चाहेंगी हमें आप। आपको सलाम, सब सुनने वालों को सलाम। आपने बहुत दिनों के बाद आपको कॉल की है। अच्छा कितने दिनों के बाद की, अंदाजन जरा बताएं हमें। डेढ़ महीने के बाद। कितने महीने के बाद। डेढ़ महीने, 1.5। Oh my God, 1.5, यानी कि तकरीबन कोई डेढ़ महीने के बाद। तो क्या कहाँ थी आप, क्या बैलेंस नहीं था मोबाइल फोन पे, क्या चक्कर था। नहीं वो बस इंटरनेशनल में मेरा कोई सीन नहीं बन रहा था कॉल करने का। हाँ सीन नहीं बन रहा था, तो क्या कॉल करने से पहले आप सीन बनाती हैं। नहीं। हाँ हाँ सुनने में बस उसे सोई जागी होती हूँ, हेडफोन लगाए हुए होते हैं, बात कर रही होती हूँ, यानी सुन रही होती हूँ मेरा मतलब है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जबरदस्त बात है। और अच्छा, जी जी बताइए। कोई अच्छा सा सॉन्ग तो लगा दे मेरे लिए। क्या अच्छा अहमद जान से का। नहीं आपके लिए क्यों लगा दूं मैं, वजह मतलब क्यों आपके लिए क्यों, बाकी जो सुन रहे हैं उनके लिए क्यों ना लगाऊं, मतलब फॉर एग्जांपल आपके लिए सबके लिए। नहीं फॉर एग्जांपल सुने ना मेरी बात सुने, फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त अगर मुझे 1000 आदमी सुन रहे हैं तो 1000 आदमी को छोड़ के मैं सिर्फ आपके लिए गाना क्यों प्ले करूं। मुझे आप कन्विंस करें मैं प्ले कर दूंगा, डन कन्विंस करें मुझे। कैसे कन्विंस करूं आप, कुछ ऐसा बताएं जो मुझे ना पता हो, कुछ ऐसा बताएं जो मुझे ना पता हो, ये तो मुझे पता। हाँ हाँ कैसे कन्विंस करूं आप मुझे बताओ। देखिए अगर मैंने ही आपको बताना है कि आपने क्या करना है तो फिर आपने क्या करना है। आपको बड़ा पसंद है तो आपकी पर्सनली चॉइस को हम क्यों सुने, मतलब अपने ऊपर क्यों थोपे हम। अच्छा चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं प्ले कर दूंगा, मैं प्ले कर दूंगा, प्ले कर दूंगा। ठीक है थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए। बिफोर दैट मैं भूल जाऊं, आज हुसैन की बर्थडे है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you, happy birthday Hussain, happy birthday to you। Hussain हमारा बड़ा जबरदस्त कॉलर भी है, लिसनर भी है, और क्रिकेटर तो खैर बहुत ही अच्छा है वो। और उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो हार कर भी हार नहीं मानता और कहता है कि माले मैंने दो छक्के माले भाई भाई, मैंने दो छक्कों की बात की थी, मैंने माले हैं, मैच करेंगे मुझे बराबर, दो छक्के माले हैं मैंने, माले हैं। यार वैसे काफी टाइम हो गया, मैच होना चाहिए। नहीं हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। साथ साथ पढ़ते हैं आपके फेसबुक कमेंट्स। जी आज रबीहा की भी बर्थडे है, जस्ट गॉट द मैसेज फ्रॉम रबीहा, हैप्पी बर्थडे रबीहा बच्चे।
जो भी हो खुश रहो, आबाद रहो, पिंडी रहो या इस्लामाबाद रहो या इन दोनों के दरमियान फैजाबाद रहो। जी कमेंट्स की जाने बढ़ते हैं। सारा मलिक हो तेरी खैर, आज पहले ही कमेंट। आज मैंने क्या किया था, मैंने वॉचमैन को पैसे भी टाइम पे दे दिए हैं, बाउंसर को खाना भी टाइम पे दिया था, किसी का दिल भी नहीं दुखाया। क्या किया था ऐसा मैंने, क्या किया था, चलो नजर उतर गई होगी। तनवीर तानी हमारे साथ है। मलिक उसामा कह रहे हैं फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। अरे अभी तो एक तीस का सेगमेंट सुनना, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लाइबा मुस्कान हमारे साथ है, माहीन अरशद हमारे साथ है, गुफरान हसन हमारे साथ मौजूद हैं, सदब बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, मायरा जाफर हमारे साथ मौजूद हैं, हमजा हमारे साथ है, कह रहे हैं क्या गेम चल रही है, बताओ यार इसको गेम बताओ, इसका साबुन स्लो है थोड़ा। जिद्दी नोशी हमारे साथ मौजूद है, नोशी फ्रॉम पिंडी। गेब सर फर्स्ट टाइम आपके शो में मैसेज कर रही हूँ लेकिन सुनती रहती हूँ पहले भी शो, थैंक यू जी। रमशा खोखर हमारे साथ है, कह रही है टॉपिक भी बता दें आज क्या डिस्कस करेंगे। सारा मलिक कह रही है क्यों, क्या मतलब, क्यों वजह, क्यों मतलब, क्यों क्यों बताऊं, नहीं बताता, जाओ पर्चा गिरा दो। अच्छा जी, आयशा आरिफ हमारे साथ हैं, और कौन कमेंट कर रहा है यार, एक तो ये पेज जो रिफ्रेश हो जाता है ना बीच में, बड़ा मसला होता है। किरण रहील तुम तो कर ही रही होगी बेटा, तुम तो मेरा ख्याल से सुबह उठती हो ना, तो पहला काम मुझे कमेंट करती हो। हयात आफरीदी कह रही है सर कमेंटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, झूठ बोल रही हो तुम हयात, कितनी वाह हयात हो तुम। हाँ मेरे हाथों में हाथ रख के जान निकाल लो, ये कोई मैं लिरिक्स सुने सुने लग रहे हैं, कोई रियल लिरिक्स क्या है इसके। हाँ यही है हाथों पे हाथ रख के जान निकाल लो, यही है ना। मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन, वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो एक दिन, मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर रू खींच लो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। हमजा सईद कह रहे हैं आज के मैच पे कोई दो लफ्स, यार मैंने एक्चुअली आज का मैच जो बॉलिंग वाला पार्ट था पाकिस्तान का वो नहीं देखा, क्योंकि आई वाज एट द जिम एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम, मैं उस वक्त जिम में था और फिर मैं यहाँ रेडियो आ गया, तो मैंने नहीं देखा जो सेकंड पार्ट था बॉलिंग वाला। पहला वाला पाकिस्तान की बैटिंग देखी और मुझे एंड से बड़ी बुरी लगी, बहुत स्लो खेला पाकिस्तान, लेकिन द बेस्ट पार्ट है इसके पाकिस्तान जीत गया है। और मैंने सुना है कि बड़ा सनसनीखेज मैच हुआ है, आखिरी ओवर में शायद चार रन दरकार थे, हारिस रऊफ ने नहीं बनने दिए, तो मैं हाईलाइट्स डेफिनेटली घर जाकर देखूंगा। और पाकिस्तान जीत गया है तो इट्स इफ इट्स एंड वेल इट्स ऑल वेल देन ना, पाकिस्तान जीत गया इससे बेहतर क्या हो सकता है। सारा मलिक कह रही मैंने करा भी देना है पर्चा आप पर। हाँ मुझे अंदाजा है आप जैसी खवातीन झूठे पर्चे ही करवाती हैं इज्जतदार लोगों पर। यार बॉल तो पकड़ के ले आओ वापस, कहाँ बाहर चली गई ग्राउंड से। हमजा जाओ बॉल पकड़ के लाओ, वो बॉल का काय भाई, बॉल पकड़। कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बातें तुम्हारी हैं।
अगर सब कुछ मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन, वजूद अपना मुझे तुम दे दो। इस बार ना हमारे पास एक और खिलाड़ी भी होगा बॉल पकड़ने के लिए। पहले हैं भी हम हमजा को भगाते रहे, इंशाल्लाह इस दफा ना बाउंसर को हम साथ लेकर आएंगे, तो बाउंसर जब भी बॉल दूर जाया करेगी ना तो बाउंसर लेकर आया करेगा। और नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि हमजा का मुतबादिल जो है वो बाउंसर है, नहीं 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 यार, माइंड ना कर जाना अब यार हमजा। नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल, ये लोग तुम्हें ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, मैंने तुम्हें कंपेयर नहीं किया बाउंसर के। अच्छा चलो सॉरी यार, बाउंसर को कर रहा हूँ सॉरी। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी। हमजा को वैसे भी बॉल्स पकड़ने का बहुत शौक है, जब देखो बॉल्स के पीछे भागता है। कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी। हमजा कह रहे हैं एक तो आपकी साइड लो फिर भी आप ऐसे करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी मोहब्बत का अंदाज ना थोड़ा सा डिफरेंट है, जब जब मैं करूँ ना तो समझ जाओ मुझे मोहब्बत है, मतलब मैं जरा थोड़ा सा ऐसा हूँ। कहते हो वो आंखें तुम्हारी, I just love these lines, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक अगर सब कुछ मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन, वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो एक दिन, मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर रू खींच लो एक दिन। तो हम बात कर रहे थे मुर्शिद की, कि मुर्शिद का होना क्यों जरूरी है, यही बात कर रहे थे ना हम। रावां तक तक थक गईया मैं, रावां तक तक थक गईया मैं, कल्या रे रे अक गईया मैं, इक इक पल दिल गिड़ के गुजार दा, जबर देसिया वास्ता ही प्यार दा। बात कुछ ये है कि एक बंदा आया,
एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि ग्रास रूट लेवल पे सुनने वाला जो छोटा सा बच्चा है ना, वो भी मेरी बात समझ जाए, और अगर वो समझ जाए और आप ना समझे तो फिर तो शर्म का मकाम है। सवाल अमूमी तौर पर आपको सुनने को मिलता है या आप करने का दिल आपका करता है, कर नहीं पाते हैं, अगर कभी किया भी होगा और जवाब आपको तसल्ली बख्श नहीं मिला है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस सवाल का जवाब दूं कि मुर्शिद का होना, शेख का होना, उस्ताद का होना क्यों जरूरी है। एग्जाम्पल ऐसी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है वो 2 साल एक बंद कमरे में बैठकर रियाज करे और 2 साल के बाद उस कमरे से बाहर आए और कोई उस 2 सालों में उसको मिला ना हो, 2 सालों में उसने किसी से बात ना की हो, बस खाना उस तक पहुंच जाता हो, खाना खा लेता हो, रियाज करता रहा हो अपनी म्यूजिक का, 2 साल बाद बाहर वो आए और वो गाना शुरू करे, तो जो लोग उसके सामने बैठे हैं या जो उस्ताद लोग उसके सामने बैठे हैं या जो म्यूजिशियन बैठे हैं वो कहें भाई तुम गलत गा रहे हो, तो अगर वो कहे भाई मैं तो 2 साल से सुबह शाम रियाज कर रहा हूँ, मैं तो 2 साल से सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं गलत गा रहा हूँ, तो वहां पर उसको ये कहा जा सकता है कि तुम तो अकेले थे, किसी उस्ताद के सामने रियाज करते ताकि वो तुम्हें बताता कि तुम सही भी गा रहे हो या नहीं सही गा रहे, ये जो तुम गा रहे हो सही गा रहे हो या नहीं गा रहे, तुम बंद कमरे में रियाज करते रहे, अब वो सही था या गलत था वो तो ना तुम्हें पता था ना किसी और कोई ऐसा शख्स वहां पे मौजूद था जो तुम्हें बता पाता, तुम तो 2 साल से गलत ही रियाज करते रहे इसलिए आज गलत गा रहे हो। तो इसीलिए किसी ऐसे मुर्शिद का, किसी ऐसे शेख का, किसी ऐसे शख्स का होना जरूरी है जो आपको बताए कि यहाँ पर आप सही कर रहे हैं, यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात यहाँ खत्म हो जानी थी बाखुदा, अब यहाँ से आगे चलने वाली बात अभी जहन में उतरी है, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो जनाब बात यह है कि अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई अब वो बंदा कहाँ से ढूंढे, वो उस्ताद कहाँ से ढूंढे, वो शेख कहाँ से ढूंढे, वो मुर्शिद कहाँ से ढूंढे कि जो हमें बताए कि सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, सिरात मुस्तकीम कैसे बताए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जाहिर है रूहानी तौर पर आपको अगर चाहिए तो वो एक अलग चीज होगी, म्यूजिशियन पे चाहिए तो वो अलग आदमी होगा, एक्टर के लिए चाहिए तो वो एक्टिंग के लिए कोई और लेजेंड होगा, मतलब हर फील्ड का जो चुना हुआ पायदार और आला पाए का बंदा है उसको जाहिर है आप अपना जो है एक मेंटोर रखना चाहेंगे। लेकिन अब बंदा कहे यार मैं तो जिंदगी में बहुत सारे मामलात में उलझा हुआ हूँ और मैं तो हर किस्म की फील्ड में हूँ, मैं सिंगर भी हो सकता हूँ, मैं जो है वो एक्टर भी हो सकता हूँ, मैं जिंदगी के बाकी मामलात में देखना चाहता हूँ, मैं एक कौन सा मुर्शिद पकड़ूं यार जहां से मुझे पता चले कि हाँ भाई ये मैं सही कर रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये सुर मैं सही लगा रहा हूँ, ये मैं गलत लगा रहा हूँ। जिंदगी का मुर्शिद मैं कौन सा पकड़ूं, आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। अब सवाल ये आता है कि यार चलें ये तो मान लिया कि शेख का, उस्ताद का, मुर्शिद का होना लाजिम इसलिए है कि अगर आप बंद कमरे में बैठे रियाज कर रहे हैं और अगर वो उस्ताद आपके साथ है तो अगर आप गलत सुर लगाएंगे तो वो आपको बताएगा बच्चे गलत सुर लगाया, इसको सही कर लो, ताकि कल को जब आप उस कमरे से बाहर निकल कर सुर लगाएं तो लोग आपको गलत ना कहें और आप लोगों से उलझे ना कि मैं तो इतने अरसे से रियाज कर रहा हूँ मैं गलत कैसे हुआ, और वो आगे से आपको ये ना कहें कि तुम किसी उस्ताद के सामने गाते जब तुम गा रहे थे तो कोई था बताने वाला कि जो तुम्हें बताता कि तुम गलत गा रहे हो या सही गा रहे हो। तो अब सवाल ये है कि भाई जिंदगी का मुर्शिद ढूंढे कहाँ से, अब जुमले कहाँ आपको ले जाते हैं, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, जुमले आपके हवाले अमानतन कर रहा हूँ। दो शख्सियत हैं, एक शख्सियत वो है जिसकी जमानत अल्लाह ने ली है, जिसकी जमानत अल्लाह ने दी है, दूसरी वो शख्सियत है जिसकी जमानत उसने दी है जिसकी जमानत अल्लाह ने दी है। आ जा तेनू अखियां उड़ीक दियां।
जैसे कि मैंने कहा कि एक शख्सियत तो वो है जो कभी आपको गुमराह नहीं होने देगी क्योंकि उसकी जमानत अल्लाह ने दी है। दूसरी शख्स वो है, दूसरी शख्सियत उनकी है जिसकी जमानत उसने दी है, जिसकी जमानत अल्लाह ने दी है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उसके अलावा कायनात में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसे आप मुकम्मल तसल्ली के साथ अपना मुर्शिद बना सकते हो, सिवाय इन दो हस्तियों के। सरकारे दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस मुबारका है, ऐ खुदा तू हक को उस तरफ मोड़ दे जहां जहां अली मुड़ जाए। ये हदीस मुबारका है, सियासत्ता में मौजूद है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तो रद्द किसी तौर किया जा ही नहीं सकता, वो हबीबे खुदा है ना। ये बात तो कंफर्म हो गई कि हक मौला अली अलैहि सलाम के साथ है, तो वो आपको गुमराह नहीं होने देंगे। उनकी तालीमात पर अमल कीजिए, मोहब्बत कीजिए उनसे, इश्क में पना हो जाइए उनके। आते हैं सर, खुशी आ जाती है, आपका शो बहुत अच्छा है। मुनीर खान सवाबी से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद जफर फ्रॉम लाहौर, शानी भाई टुडे इज माय बर्थडे सो काइंडली विश मी बिकॉज ऑफ योर विशिंग आई फेल्ट वेरी गुड। ऑन अ सीरियस नोट शानी भाई, लिसनिंग फॉर फ्रॉम अबाउट 3 or 4 इयर्स माशाल्लाह डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड यू आर अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मोटिवेशन, मे अल्लाह ब्लेस यू, लव योर डायलॉग्स वेरी मच, थैंक यू सो मच। और आज तुम्हारी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Here comes Mohsen Abbas Heather.
जी कौन है हमारे साथ, कहां से कॉलर? हाय हाय हाय, सीटियां मारते हो, कितनी बुरी बात है। हेलो, ओ तेरी खैर और तुम्हारी खैर होवे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहां से? निम्रा राजपूत बात कर रही हूं, आप से कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं निम्रा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। क्या कर रही हैं आजकल आप अपनी लाइफ में? कुछ खास नहीं, बस गर्मी होती है। फिर भी कुछ नहीं, कुछ तो करें लाइफ में, तो इतना खुश क्यों हैं? कोर्स कर रही हूँ एक। किसको? कोर्स कर रही हूँ। कोर्स कर रही हैं, कौन सा कोर्स? म्यूजिक क्लासेस लेती हूँ। अच्छा, गाने का? अरे वाह यार, जबरदस्त। हमें भी कुछ सुनाए ना, कितना सीखा है आपने अभी तक? फिलहाल अभी आपने एक सॉन्ग लगाया था, हाँ, तो मेरा फेवरेट है, वही सुना दे। हाँ, सुनाए सुनाए सुनाए। सितारा सी जिन्हें कहते हो, वो आंखें तुम्हारी है, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो, वो बाहें तुम्हारी है, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बातें तुम्हारी है, कहो एक दिन कि जो कुछ भी ये मेरे पास है सब कुछ तुम्हारा है, वो भी सुनाए ना, वो जो एंड पे वो कहते हैं कि हाथों पे हाथ रख के जान निकालो, वो वाला भी पार्ट हमें सुनाए जरा। ओके, हाँ जी हाँ जी। अगर सब कुछ मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन, वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो एक दिन, मेरे हाथों पे अपना हाथ रख कर तो खींच लो तुम, तुम्हारे हैं वेरी नाइस टिमरा, वेरी 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 नाइस, व्हाट अ सिंगर यू आर, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिंगर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखो। हाँ ओके, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। एक और कॉलर लेते हैं। सलाम वालेकुम। ओ मेरा भाई, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शान भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, क्या हाल है? ठीक है, पहचाना आपने? नहीं, मैं लतीफ बात कर रहा हूँ मोरदा से। ओ क्या हाल है भाई सर आपके, ठीक है? आप सुनाए, आप कैसे हैं? ठीक है। अब मैं क्या पाजी, बधाइयां पटाके। काफी टाइम हो गया, बस नहीं आपका हो सकता, आपसे काम भी हुआ, बहुत ज्यादा बीमार थी ना। कौन बीमार था, माँ सदके जाए? जी मेरी वालदा साहबा बीमार थी। खैरियत से हैं अब? जी वो काफी टाइम पहले, मेरे वालदा साहब ना, वालदा मेरे थे, अम्मी मेरे। नहीं मैं समझ गया हूँ, अब ठीक है वो? जी अभी कुछ बस बेहतर है, काफी टाइम लिए बस ना आपका प्रोग्राम सुन सके और ना ही आपका। क्या हुआ था उनको? क्या हुआ था उनको? शान भाई उन्हें एक शुगर के बहुत ज्यादा मरीज हैं वो। अच्छा। और तो उनकी बस अभी ये हालात हो गई है कि बस ना उनसे कुछ बात होती है, ना उनसे चलने होता है, ना कुछ खाते पीते हैं, बस बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई थी ना बहुत ज्यादा। तो हॉस्पिटल वगैरह आपने एडमिट करवाना था, कोई इलाज करवाना था? निशान भाई जी हॉस्पिटल भी तो जाते नहीं है, उनका दिल बहुत कमजोर है ना। तो आप उनको ना सेब का मुरब्बा खिलाएं। प्राइवेट इलाज तो भी आपको पता है कि बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है?
क्यों मुश्किल है, मैं अभी जिंदा हूँ मरा तो जिशान भाई बस मैं अभी मैं अभी जमीन से ऊपर हूँ, जमीन से नीचे नहीं गया, मैं अभी जिंदा हूँ। जी 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 बिल्कुल, अल्लाह जी आपको सेहत तंदुरुस्ती, अल्लाह आपको सलामत रखे जिशान भाई। इतना मैं परेशान, इतना ज्यादा परेशान हूँ वालदा की वजह से, बस आपसे रब्ता कर सका ना ही आपसे। आज मैं थोड़ा मुझे बस इजी था थोड़ा सा जिन में, तो मैंने आज प्रोग्राम भी सुन रहा था, तो मैंने कहा मैं आज ईशान भाई से जरूर बात करूंगा। मैं चले चले चले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इंशाल्लाह जरूर अल्लाह ताला सब बेहतर कर देंगे, सब बेहतर कर देंगे अल्लाह ताला, ठीक है। अल्लाह आपको सलामत रखे ईशान भाई, थैंक यू थैंक यू। अम्मी को आपके अब्बू को भी अल्लाह पाक सलामत रखे, जिंदगी दे उनको भी अल्लाह ताला। चलो अपना ख्याल रखना, ओके जी, ओके सब कुछ आप लोगों ने दिया था, मैं आप लोगों की तरफ ही वापस भेज रहा हूँ। मुझ पर तहकीक करेगी मेरे बाद दुनिया, मुझ पर तहकीक करेगी मेरे बाद दुनिया, मुझे समझेंगे मेरे बाद जमाने वाले। वास हैदर, क्या बात है यार लड़के की, ये बैठी थी मेरे अंदर, वाकई दर्द दिल के करीब था ही नहीं, न कर पाओगे, दर्द कहीं और था, जनाब यहाँ पर आपको बताते चलें कि आज 1:30 का सेगमेंट का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, और जब मैं नाम लूंगा तो आई नो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सारे लोगों के दिल के करीब होगा। मैं जितना बात कर सकता हूँ उसके ऊपर मैं आपके सामने जो है वो अपनी गुजारिशात रख दूंगा। टॉपिक जनाब है मेंटल हेल्थ। जी बिफोर दैट के हम टॉपिक जाने पड़े, बिकॉज मैं हो सकता है कि 1:30 से पहले ही थोड़ा उसको स्टार्ट कर दूं, 1:15-1:20 पे स्टार्ट कर दूं। मुझे एक सराइकी जो है म्यूजिक यू नो प्ले करना है आप लोगों के लिए, आजकल बड़ा फेमस है, लेकिन बिफोर दैट मुझे एक सराइकी शायरी भी याद आई है। वो कहता है कि मेरी मदर टंग सराइकी नहीं है, मेरी मादरी जुबान सराइकी नहीं है, लेकिन मैं मोहब्बत से उसको पढ़ता हूँ, तो जितने सराइकी बहन भाई हैं अगर गलत पढ़ूं तो मुझे माफ कीजिएगा। कहता
ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਲਾਂਦੀ ਵੇਖ ਕਰੇ ਹੰਜ ਢਹਿ ਪਈ ਆਈ ਮੈਂਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਲਾਂਦੀ ਵੇਖ ਕ ਨਹੀਂ ਹੰਜ ਢਹਿ ਪਈ ਆਈ ਮੈਂਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਢੇਰ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਢੇਰ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੇ ਮਿਲ ਸਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵਿਕਦੇ ਪੈਣ ਤੈਨੂੰ ਲੱਸੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਕੇ ਮਿਲ ਸਨ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗਾਲ ਕੋ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਾਏ 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 ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗਾਲ ਕੋ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁਮਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਜਿੰਦੜੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਜਿੰਦੜੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੰਜ ਯਾਰ ਬਣਾਏ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਜਿੰਦੜੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੰਜ ਯਾਰ ਬਣਾਏ ਔਰ ਇਸਕੀ ਇਹ ਸਭ ਸੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਏ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਗਦੀ ਏ ਸ਼ਬੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਾਣੇ ਗਲਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਾਣੇ ਗਲਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਮੱਥੇ ਲਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਲਾਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰਹੀ ਹੰਝ ਢਹਿ ਪਈ ਆਈ ਮੈਂਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੈਂਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਢੇਰ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੀ ਲਬਜ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵਿਕਦੇ ਪੈਣ ਤੈਨੂੰ ਲੱਸੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਕੇ ਮਿਲ ਸਨ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗਾਲ ਕੋ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁਮਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਜਿੰਦੜੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੰਜ ਯਾਰ ਬਣਾਏ ਅਹਿਸਾਸ ਥੀ ਆਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਵੰਜ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਏ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਗਦੀ ਏ ਸ਼ਬੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਮੱਥੇ ਲਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ ਸੁਖ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੰਤਾ ਸੋ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਹਾੜੇ ਪਾਂਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਤੇ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਹੀਰ ਦੇ ਛੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਖਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਈ ਰਾਂਝਾ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਮਾਗ ਦੀ ਠਰਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਚ ਕਿਤੇ ਉੱਜੜੀ ਪੁੱਜੜੀ ਜੂਹਾਂ ਚ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਜੋ ਵੀ ਥਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ ਲੱਜ ਲਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਨਚਾਂਦਾ ਏ ਕਦੀ ਸਾਵਣ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਚ ਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਚ ਕਿਸ ਯਾਦ ਦੀ ਕੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੋਈ ਛੇੜ ਕੇ ਤਾਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪੂਨੇ ਨਾ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ ਆ ਆ
ਪੈਂਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਹਿਜਰ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਚਰਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਮੀਆਂ ਤੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜੀ ਗੂੰਜ ਕਤਾਰਾਂ ਤੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੂੜਿਆ ਯਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਟੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਹਿਜਰਾਂ ਚ ਮੈਂ ਹਿਜਰ ਦਮਾਰਾ ਹਿਜਰਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਪੀੜਾ ਹਾਰ ਪਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ और अब 1:30 के बाद ज़ेशान नासिर के साथ मौला 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 जल जाएंगे यूं ही मिट जाएंगे यूं ही जल जाएंगे यूं ही मिट जाएंगे आतिश इश्क में राख हो जाएंगे आतिश इश्क में हो जाएंगे यूं ही जल जाएंगे यूं ही मिट जाएंगे यूं ही जल जाएंगे मौला तू है तो इस आग को गुलजार कर दे सागर में अभी अक्स तेरा दिखता है जहर तन्हाई को मीठा अमृत कर दे मौला कर दे मौला आंखें बुझ जाएगी जाएंगी ख्वाब खो जाएंगे यूं ही जल जाएंगे यूं ही मिट जाएंगे यूं ही जल जाएंगे जल जाए शोर सीपी से उठा जो वो बहुत जनाब वेलकम बैक वंस अगेन और सेगमेंट जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था और मुझे बहुत बेहतर पता होता रहा आप यकीन जाने कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है लेकिन मुझे आपसे ज़्यादा इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आपको किस वक्त क्या चीज़ सुनने का दिल करता मैंने अपनी जो लड़कपन है उस दौर से लेकर और अब मेरी जो कह लीजिए कि जो एक जवानी की उम्र होती है वो अब ढल रही है मैं 28 साल का हो चुका हूँ तो मैंने अपने वो लड़कपन से लेकर उस लड़कपन के दौर को गुजारते हुए टीन एज को गुजारते हुए अपनी जवानी पर जो है वो यू नो एक मैच्योर मर्द होते हुए वो जो एक ढलान का सफ़र होता है वो मैंने आप लोगों के साथ तय किया है तो मुझे पता है कि आपको किस वक्त क्या सुनने का दिल करता उसकी एक वजह यह है कि मैं कभी भी ज़िंदगी में कोई काम अधूरा नहीं करता
मेरी जिंदगी के कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं जिसमें मेरे पास बिल्कुल टाइम इतना होता है या मैं सो सकूं या मैं खाना खा सकूं। और आज आप यकीन करें कि बहुत टाइम के बाद मैंने जो है वो आज जिम किया है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि अब आप 1:30 का सेगमेंट नहीं करते हैं, और मैंने हमेशा आपसे कहा कि मैंने कभी कोई काम अधूरा नहीं किया, कोशिश की है कि जब भी करूँ तो उसको पूरे दिल के साथ करूँ, पूरी मेहनत के साथ करूँ, तैयारी के साथ करूँ। खैर, ये टॉपिक तो ऐसा है कि जिसपे बात करने के लिए कुछ खासी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, एहसास की ज़रूरत है। सो खैर, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, आपको सुनाना चाहूँगा, आपसे बात करना चाहूँगा। और अब ये टू हूम इट मे कंसर्न वाला हिसाब है। आप इस वक्त जिस भी जगह पर मुझे सुन रहे हैं, अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो बस फिर मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। भूल जाइए कि कोई एक रेडियो प्रेजेंटर है जो रेडियो पर बैठ कर लोगों से मुखातिब है या प्रोग्राम कर रहा है। बस आप ये समझिए कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। मेरे जो हमतन गोश हैं वो सिर्फ आप हैं। हम एक लफ्ज पिछले कुछ अरसे से बहुत सुन रहे हैं, मेंटल हेल्थ, दिमागी सेहत। आपको पता है इससे खतरनाक एक और बीमारी है जो हमारे मुआशरे में मौजूद है। हालांकि अगर आप आज बाहर जाएं, किसी से भी पूछें, किसी डॉक्टर से पूछ लें, किसी आम आदमी से पूछ लें, किसी ऐसे शख्स से भी पूछ लें जो कि बीमार होने पर या बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों पर यकीन नहीं रखता होगा, क्योंकि अमूमी तौर पर हमारे यहाँ एक ऐसा सीन है कि जब कोरोना भी आया था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी बस अल्लाह पर तवक्कल होना चाहिए, कोरोना नहीं होगा। यकीनी तौर पर अल्लाह पर तो सबको तवक्कल है, लेकिन अगर कोई एक ऐसी वबा मौजूद है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बचने के भी तरीके हमें बताए हैं। तो इट मीन्स कि वबा से बचना भी सुन्नत है। सुबार कैफ ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास भी जाएंगे जो कोरोना को नहीं मानता होगा, आप उसको भी कहेंगे कि यार मेंटल हेल्थ एक इशू है, तो कहेगा हाँ यार बहुत बड़ा इशू है आजकल, हर बंदा यहां पर नफसियाती मरीज है या दिमागी हालत उसकी खराब है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मेंटल हेल्थ को मैं सेकेंड पे रखूंगा, दूसरे नंबर पर रखूंगा। इससे बड़ी एक बीमारी हमारे मुआशरे में मौजूद है, और मैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, सेकेंड करने के लिए एक सबूत लाया हूं अपने साथ। अब आप पूछेंगे कि ऐसी क्या चीज है जो मेंटल हेल्थ से भी ज्यादा इशू क्रिएट करती है, या ऐसी चीज है जो कि नुकसान दे रही है हमारे माशरे को? तो जनाब, वो है हमारा रवैया टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ बतौर सोसाइटी। आपको पता है कि हम मीम्स बनाते हैं किसी के मेंटल हेल्थ के ऊपर, हम मजाक बनाते हैं किसी की मेंटल हेल्थ का, हम मजाक बनाते हैं किसी की ऐसी कंडीशन का जिससे वो गुजर रहा होता है। आज मैं आपके साथ एक खत शेयर करूंगा। मैं स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक के ऊपर, तो मुझे एक पोस्ट नजर आई। अमूमी तौर पर मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जो मजाक से रिलेटेड पोस्ट है वो मैं पढ़ूं, क्योंकि जाहिर है सारा दिन इंसान थक जाता है, काम कर रहा होता है, तो कुछ उसको फ्रेश होना होता है, तो मजाक से रिलेटेड पोस्ट पढ़ी जाए। तो मैंने देखा कि एक तस्वीर है, एक एस्से की तस्वीर है, जैसे बच्चों को दिया जाता है ना कि बच्चे किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई एस्से लिखें, मजमून लिखें, तो उस एक एस्से की तस्वीर है, और उस तस्वीर को लगाया गया है, ऊपर हंसने वाले इमोजीज हैं, और नीचे कमेंट्स जो हैं वो 1000 की तादाद से तजावुज कर चुके हैं। मैंने जैसे ही कमेंट्स को खोला तो उन कमेंट्स में उस तहरीर का मजाक बनाया जा रहा था, वो जो मौजू उस बच्चे ने लिखा था उसका मजाक बनाया जा रहा था। लोग उसकी अंग्रेजी का मजाक बना रहे थे, उसकी ग्रामर का मजाक बना रहे थे, जो उसने लिखा था उसका मजाक बना रहे थे। और आप यकीन करें कि जब मैंने वो ऐसे पढ़ा जो उस बच्चे ने लिखा है, मुझे नहीं पता कि मेरी आंखें कितनी देर तक भीगती रहीं। तब मुझे यह एहसास हुआ कि मेंटल हेल्थ सेकेंडरी है, हमारे माशरे को मेंटल हेल्थ बाद में तबाह करेगा, पहले वो रवैया तबाह हमें करेगा कि जो रवैया हमें हर चीज में मीम्स बनाने की तरफ भेज देता है। मैं अब वो ऐसे आपके सामने पढ़ता हूं। ये एक जमात, शायद छठी या सातवीं या आठवीं जमात के एक बच्चे का लिखा हुआ ऐसे है, और बेसिकली आई थिंक इस तरह की चीजें जो है वो टीचर्स की तरफ से ही लीक्ड होती है, क्योंकि जाहिर है ये एक
एग्जाम के दौरान लिया गया, क्योंकि ऊपर उसने लिखा है सेक्शन सी और मौजूद था मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ, मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन। इस मौजू के ऊपर ऐसे लिखना था, अंग्रेजी का ये पेपर था और जाहिर है जो इन्विजिलेटर होता है या जो पेपर चेकर होता है या जो टीचर होता है, जाहिर है उस तक ये पेपर गया होगा, उसी ने इसकी तस्वीर लेकर कहीं पोस्ट की होगी और फिर ये कहीं पर वायरल हुई और फिर लोगों ने इसका मजाक बनाना शुरू किया। लेकिन जिसका मजाक बनाया जा रहा है, अब वो जो ऐसे लिखा है जिस बच्चे ने, वो किस मेंटल स्टेट में है अब जरा अंदाजा लगाइएगा। बच्चा लिख रहा है कि माय लाइफ इज वेरी बैड, मेरी जिंदगी बहुत बुरी है। आई डू नॉट नीड माय लाइफ, मुझे मेरी जिंदगी की जरूरत नहीं है। याद रहे कि जो मजबून का टॉपिक था वो था मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ, जिसको वजह बनाकर इस ऐसे को ट्रॉल किया गया या इसका मजाक बनाया जा रहा था या इसके नीचे हंसा जा रहा था। बच्चा लिखता है कि आई डू नॉट नीड माय लाइफ, मुझे अपनी जिंदगी की जरूरत नहीं है। आई हेट माय लाइफ, मैं अपनी जिंदगी से नफरत करता हूं। आई डोंट केयर अबाउट माय लाइफ, मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचता नहीं हूं। आई नीड माय लाइफ डेथ। अब मैं एज इट इज जो जुमला है वो वैसे ही पढ़ रहा हूं जैसा उस बच्चे ने लिखा है। जाहिर है इसमें ग्रामर मिस्टेक होंगी, तमाम तरह चीजें होंगी जिसका मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन मैं एज इट इज वैसे ही जुमले पढ़ूंगा। जो एहसास होता है उसकी कोई ग्रामर नहीं होती है, वो डायरेक्टली दिल पर जाकर आपको बता देता है कि लिखने वाला या समझाने वाला क्या कह रहा है। जब बच्चा भूख के लिए रोता है अपनी बचपने में तो वो माँ को कह नहीं सकता, लेकिन जब वो रोता है तो माँ को पता चल जाता है ये भूख की वजह से रो रहा है या सिर्फ किसी और वजह से रो रहा है। एहसास होता है ना, एहसास की कोई ग्रामर नहीं होती। खैर बच्चा लिखता है कि आई नीड माई लाइफ डेथ, सो मजे नॉट इन माई लाइफ, लाइफ इज वेरी डेंजर। I don't like my life. I wish for death in dunya. I hate my life. Life is very hurtful. I wish my life get car accident. Life is very, very, very boring. I hate my life. I wish I can die. आप ये अंदाजा लगाइए, ये ऐसे जब किसी टीचर के पास पहुंचा होगा, कोई भी इंसानों का मुआशरा अगर होता, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, शायद मैं थोड़ा सा हार्श हो जाऊं, लेकिन अगर इंसानों का मुआशरा होता तो सबसे पहले वो टीचर भागता उस बच्चे की जानेब कि ये 10 नंबर का ऐसे, इसको तो साइड पे करें, वो 10 नंबर उसको ना भी मिले ना सही, सबसे पहले उस बच्चे की तरफ भागता कि उसने किस मेंटल स्टेट के अंदर ये बातें लिखी हैं। मैक्सिमम सेकंड ईयर का बच्चा रहा होगा ना, क्योंकि बोर्ड के पेपर्स जिस तरह से वो पेपर का फॉर्मेट मुझे नजर आ रहा है, या 9th-10th का बच्चा है या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का बच्चा है। एक बच्चा लिख रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं उस एक्सीडेंट में मर जाऊं। एक बच्चा लिख रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरी मौत वाकया हो जाए, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। बजाय इसके कि हम उस बच्चे की तरफ भागें, उसको पकड़ें, उसको समझें, उसको सुनें, हम क्या कर रहे हैं, उस सफ़े की पिक्चर ले रहे हैं, उसको फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं एक मीम्स के ग्रुप में, और उसके नीचे 1000 से ज्यादा कमेंट्स तजावुज कर चुके हैं जो इस बच्चे की ग्रामर का मजाक उड़ा रहे हैं या इस बच्चे की राइटिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। अब मुझे बताएं, ज्यादा खतरनाक मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाना है या इस रवैये का शिकार हो जाना है कि आपको मेंटल हेल्थ, किसी की मेंटल हेल्थ नजर ही ना आए और आप उसके ऊपर भी मीम्स बना रहे हैं। हम किस मौशरे में हैं? हम क्या ये वाकई इंसानों का मौशरा है? और ये तो खैर मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बात सुनाई, आप डेली लाइफ में देख लें।
इस चीज को, बुलिंग को, जितना मैंने फेस किया है, जितना मैं रिलेट कर सकता हूं, शायद ही कोई कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया के फील्ड में शायद मुझसे ज्यादा किसी की बुली ना हुई हो या मुझसे ज्यादा किसी का जो है वो बैकलैश ना आया हो, जरूर आया होगा, लेकिन मैं अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें ना कि जितनी जितनी एज में और जितना एक स्पेक्ट्रम होता है रेडियो का, शायद मेरे से ज्यादा नहीं हुआ होगा। फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड माई स्टडीज, फ्रॉम द इमीडिएट फैमिली टू यू जस्ट नेम इट, उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड द रेडियो, ये मेरी गलती तो नहीं है कि अगर मेरी आवाज किसी ऐसे प्रेजेंटर से मिलती है जो कि उस टाइम पर बहुत फेमस है। आप यकीन करें, 3 years स्ट्रेट ऑन द ट्रॉट मैं जब जब प्रोग्राम करता था, मैसेजेस हों, कॉल्स हों, कमेंट्स हों, दे ऑल वर लाइक कि आप कॉपी कैट हैं, आप कॉपी कर रहे हैं, आप नकल उतार रहे हैं, आप दो नंबर हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। बट टफ टाइम नेवर लास्ट, बट द टफ पीपल डू। फिर एक वो मौका आया कि मैंने उस शख्स का इंटरव्यू किया, उस शख्स से पूछा, वो मेरे साथ शो में बैठ गया, उसने ऑन एयर ही कह दिया कि यार लोग ये बात कहते हैं, जब मैं आया था तो मेरे बारे में कहते थे कि आप किसी और को कॉपी करते हैं, तो यू जस्ट गो विद योर वर्क। लेकिन जस्ट फॉर द सेकेंड वो अलग बात के मैं आतिशे गमे जिंदगी से मर गया होता, मैं आतिशे गमे जिंदगी से मर गया होता, वो अलग बात के किसी ने बहुत प्यार से माथे पे हाथ रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्विट कर देता उस टाइम पे, छोड़ देता, क्या हम सब शिकार ना होते एक इंसान के करियर तबाह होने का? और हो सकता है कि मैं उस करियर की वजह से उस मेंटल स्टेट में चला जाता जहां पर मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता। आप लिंक कनेक्ट करते हैं ना, मैं अपनी एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं जस्ट टू रिलेट इट विद यू। यार हमारे लिए कोई मजाक की हद है ही नहीं, किसी की डेथ हो जाना, किसी की तलाक हो जाना हमारे लिए बाइसे मीम्स है, किसी पर्सनालिटी की तलाक हो जाती है हम उसमें मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। आपको अंदाजा है कि वो फैमिली किस ट्रॉमा से गुजर रही होती है, वो जो आदमी है या वो जो औरत है वो किस ट्रॉमा से गुजर रही होती है, वो बच्चे किस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ क्या किया? अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो उनकी दूसरी वाइफ थी, उन्होंने उनकी तीसरी वाइफ गालिबन जिन्होंने उनकी वीडियोस लीक की, उसने तो सिर्फ लीक की थी, फैलाई तो मैंने है, आपने है, हम सब ने, भाई से तो मौशरा बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के बारे में एक जुमला सुनता हूं, मैंने सुन लिया और उसको दबा दिया तो बात खत्म हो गई। अगर मैंने सुनकर 10,000 आदमी को बता दिया तो शायद वो बात बताने वाले की इतनी गलती नहीं है जितनी मेरी गलती, क्योंकि मैंने तो उसको नशर कर दिया। क्या हर एक मीमर ने उसको अपने मीम पर इस्तेमाल नहीं किया? क्या हर एक बंदे ने उसको अपनी निजी महफिल में उसको अपने जिक्र का रास्ता नहीं बनाया? चले मैं आप लोगों से पूछता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं मुझे इस वक्त, एक दफा अपने आप से सवाल करें, मुझे आपने क्या जवाब देना है, अल्लाह को आप जवाब दें, एक दफा अपने आप से सवाल करें और फिर ये सोचें कि आपने बार कैफ कभी ना कभी अल्लाह को जवाब देना है कि क्या कभी आप ऐसी सूरत हाल का शिकार नहीं हुए कि अगर वो सूरत हाल मंजर आम पर आ जाए तो आपकी इज्जत तार तार हो जाएगी? कभी आप ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा आपको? बात पता गया, बात ये है कि हमें बेइज्जती होते सिर्फ तब अच्छी लगती है जब किसी और की हो रही हो, हमें गुनाह की सजा मिलते हुए सिर्फ तब अच्छा लगता है जब किसी को किसी के गुनाह की सजा मिल रही हो।
जब सेम गुनाह की सजा हमें मिले तो फिर हम अल्लाह से उसकी रहमत तलब करते हैं। तो जो रहमत हम अपने लिए तलब करते हैं वो किसी और के लिए तलब क्यों नहीं करते? और यहां पर आपको एक राज की बात बताऊं, रहमत को आप खरीद नहीं सकते, इसकी कोई कीमत नहीं है। खुदा करे किसी दिल में मेरी ये बात उतर जाए, रहमत की कोई कीमत नहीं है, आप इसको नहीं खरीद सकते। इसको खरीदने का सिर्फ एक तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आप रहमत खरीद लें, मैं आपको तरीका बताता हूं। सिर्फ इसको खरीदने का एक तरीका है, आप रहमत किसी और के लिए मांग लें, आपको मुफ्त में मिल जाएगी। आप खुदा के लिए किसी और के लिए खैर मांग लें खुदा से, आपको खैर मुफ्त में मिल जाएगी। आपको अपने लिए खैर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने लिए रहमत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दूसरे के लिए रहमत मांग लें। सो खैर, जब ये मैंने ऐसे पढ़ा तो लिटरली मेरी आंखें भीग गई और मैं लिटरली सोच रहा था कि ये जो नीचे लोग, और मैं लिटरली ढूंढता रहा, मैंने स्क्रॉल करके कमेंट ढूंढे कि हो सकता है कोई एक बंदा हो, कोई एक बंदा हो जो इस जाविये से सोचे कि बेवकूफ हो जिसने ये लिखा है, उस बच्चे को पकड़ो जाके कि वो किस हालात में है इस वक्त, मिनिमम या नाइन्थ में होगा या मैक्सिमम सेकंड ईयर में होगा। ऐसा क्या उसकी जिंदगी के साथ हो रहा है कि वो चाहता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो मर जाए? एक बात आपको और बात, शायद आपको अजीब लगे लेकिन मुझे ये दुनिया की चीजें समझ में नहीं आती हैं। ये बच्चा नौवीं में है या बारहवीं में है, यही हालात रहे तो कुछ अरसे में अपने आप को खत्म कर लेगा। खत्म ना भी किया, लाजमी नहीं है कि जान से खत्म हो, ना भी खत्म हुआ तो अंदर से खत्म हो गया तो बंदा तो खत्म हो गया ना। जहनी तौर पर अपने आप को खत्म उसने कर लिया, जज्बाती तौर पर उसने अपने आप को खत्म कर लिया, तो जिंदगी की रंगीनियों से तो वो अपने आप को पीछे ले गया, खत्म हो जाएगा। जिंदा रहा भी तो जिंदा लाश की तरह होगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अफसोस करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है, यकीन करें कि इंसान तरसता है कि मेरी जिंदगी में मेरे पास आकर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, मुझसे चंद बातें कर लो। मरने के बाद हम उसके जनाजे को इंतजार करवाते हैं कि हम आ रहे हैं, हमने मुंह देखना। हालांकि उसने जिंदगी में न जाने कितनी ख्वाहिश की होती है कि आप उसके पास बैठकर चंद बातें कर लें। आप यकीन करें कि मैंने कहा ना कि मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आती। ये मुंह देखना जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जब आप आखिरी बार उसको जिंदा जब मिलते हैं ना, बस उसी को जहन में बसा लें और वही उसका आखिरी दीदार समझें। अब उस शख्स की आंखों में नूर नहीं है, उसके जिस्म में जान नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसके साथ आपने जिंदगी के बहुत अच्छे लम्हात देखे हों, अब उसको इस हालत में देख कर अपने दिल को क्यों खरीदना? बार कैफ, ये जो मेंटल हेल्थ है, अच्छा इसकी एक और बहुत अजीब बात है जो कि बहुत सारे लोग जब समझते हैं तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारा मानना यह है कि जो आदमी मेंटली इल होगा, बाल बिखरे होंगे, फटे हुए कपड़े पहने होंगे, भूखा होगा, पैसे के बांधे होंगे, कभी कभी एक ऐसा शख्स जो कि आपको मुकम्मल नजर आ रहा होता है, शायद वो भी मेंटल इलनेस का शिकार हो। कभी कभी डिप्रेशन रोती हुई नहीं नजर आती, कभी कभी वो हंसती हुई भी नजर आती है। हंसता हुआ चेहरा भी डिप्रेस्ड हो सकता है। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है, मैं जानता हूं कि आजकल की जो दुनिया है बड़ी फास्ट है, हमारे पास टाइम नहीं है, हालांकि जाना किसी ने कहीं पर भी नहीं है, हकीकत बता रहा हूं आपको, जाना किसी ने भी कहीं नहीं है। जानते हैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि जाना किसी ने भी कहीं नहीं है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें कब जाना है। यहां पर हमने फाइनली जाना है ना, वहां पर जब जाना होगा तो आपको एक रात पहले का एक घंटा पहले भी पता नहीं होगा।
तो इसलिए इतनी भाग दौड़ की कोई जरूरत नहीं है जिंदगी में। शायर कहता है कि दो गज रकबा फुटदा कुतबा, दो गज रकबा फुटदा कुतबा, एवे एनी धूल उड़ाई, भागते 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 भागते। सो कोशिश करें कि अगर आप कोई ऐसी चीज देखते हैं, किसी के हाथ तलाक देखते हैं, उसको मीम्स मत बनाएं। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हंसा जाए। आप किसी की बरहना वीडियो मंजरे आम पर आ जाती है, उसको मीम्स का मटेरियल मत बनाएं। वो कोई ऐसी चीज नहीं है। आपका खुदा आपसे कहता है कि तू लोगों के ऐबों में पर्दे डाल, ताकि मैं रोजे क्यामत तुझ पर पर्दा डालूं। यहां पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया है, आपकी एक वीडियो मंजरे आम पर आ भी जाए, आप किसी को मीम्स बनाए भी, तो मैक्सिमम क्या होगा, कितने लोग देखेंगे? 100, 200, 300, 1,00,000, 10,00,000, दैट्स इट। वहां क्या होगा, पूरी दुनिया है, वो सब लोग हैं जिनको आप जानते हैं, और वो भी लोग हैं जिनको आप नहीं जानते। अगर आपकी वीडियो वहां प्ले हो गई, तो फिर अगर आप चाहते हैं ना आपकी वीडियो वहां प्ले ना हो, तो फिर दूसरे की वीडियो के ऊपर स्टॉप का बटन आप यहां पर लगा दें। आप यकीन करें, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत ज्यादा सेंट या सूफी साउंड करना चाहता हूं इस वक्त, मैं आपको गारंटीड करता हूं इस बात का, गारंटीड, मैं चैलेंज कर रहा हूं ऑन एयर। मैं तकरीबन 2011 से फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूं, 2023 आ गई, 12 साल हो गए ऑलमोस्ट ना, हाँ 12 साल, 12 साल में मैं ये चैलेंज कर रहा हूं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं इतनी लंबी तकरीर कर रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले अपने आप को कैथारसिस के लिए रखना चाहिए, मुझे सबसे पहले अपने आप को कटघरे में रखना चाहिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मैंने एक पोस्ट जिंदगी में, कोई एक मीम जिंदगी में ऐसा अपने सोशल मीडिया, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, इंक्लूडिंग यूट्यूब, इंक्लूडिंग फेसबुक, इंक्लूडिंग ट्विटर, मैंने ऐसा नहीं किया जो किसी की जाती जिंदगी से मुंसलिक हो। मैंने कभी बात भी नहीं की। मैंने अभी लास्ट टाइम एक स्टेटस अपडेट किया 2 दिन पहले, जिसमें मैंने कहा कि एवरीबडी इज चीटिंग ऑन देयर पार्टनर्स, यू नो हु इज नॉट चीटिंग, माय पार्टनर, बिकॉज आई डोंट हैव वन, स्टे सिंगल स्टे सेफ। मैंने उसमें भी उन दो लोगों का जिक्र नहीं किया जो कि उस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहे थे इस वजह से ट्विटर के ऊपर। मैंने उनका नाम नहीं लिखा उसमें। मैंने कभी टॉपिक कोई डिस्कस हो रहा हो इस तरह का, मैंने कभी उसके ऊपर अपनी राय नहीं दी, रेडियो पर नहीं दी, नाम नहीं लिया, हेट स्पीच नहीं की कभी। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं, इसलिए कि मुझे डर लगता है। चलें इसको और आसान करते हैं। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं, इसलिए कि मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा हूं, इसलिए कि मुझे पता है कि मुझे खुदा की जरूरत पड़ेगी रोजे मैशर कि वो मेरे गुनाहों पे पर्दे डाले। इसलिए मेंटल हेल्थ सेकेंडरी चीज है, पैसे की वजह से हो सकती है, हेल्थ इश्यूज की वजह से हो सकती है, ब्रेकअप की वजह से हो सकती है, इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसको क्योर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, दुनिया भर में मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, इसको क्योर किया जा सकता है, पैसा बनाया जा सकता है, सेहत बेहतर की जा सकती है, ब्रेकअप के बाद मूव ऑन किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। अगर नहीं हो सकता ना, अगर नहीं हो सकता ना, तो बेहिसी का इलाज नहीं हो सकता, वो मेंटल हेल्थ से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। कोरोना आया, शायद 1 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन्स को तैयार कर लिया गया जो कि आपको क्योर कर लें और आपको इम्यून सिस्टम आपका इतना बेहतर कर दें कि नेक्स्ट टाइम अगर ये वबा आए तो आपको ये उस तरह हिट ना करे। आपको पता है लोग इससे यकीनी तौर पर जानों का नुकसान हुआ, लेकिन इससे बड़ी एक बीमारी है जिससे रोज लोग मरते हैं, इससे बड़ा एक वायरस है जिससे लोग रोज मरते हैं, लेकिन आज तक, और मजे की बात, जब से दुनिया बनी है देन फिर जब साइंस ने तरक्की की है एंड ऑल दैट, तब से वो वायरस मौजूद है, वो रोज बंदे मार रहा है, लेकिन उसकी वैक्सीन तैयार नहीं की गई। जानते हैं क्यों?
क्योंकि वो वायरस सिर्फ गरीब को मारता है, अमीर को नहीं मारता, और वो वायरस है भूख। कोरोना तो ना अमीर देखता था ना गरीब देखता था ना, तो वैक्सीन तैयार हो गई। भूख का जो वायरस है ना वो सिर्फ गरीब पर अटैक करता है, अमीर पर अटैक नहीं करता। तो मैंने कहा ना कि बेहिसी की कोई वैक्सीन नहीं है। मेंटल हेल्थ को तो हम क्योर कर लेंगे, बातें करके भी कर लेंगे, मेडिसिन दे के भी कर लेंगे, सेशंस दे कर भी कर लेंगे, पैसा बना कर भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये जो बेहिसी हमारे माशरे में, इसको हम क्योर कैसे करेंगे? इसकी वैक्सीन कहां से लेकर आएंगे? आप इसका इल्जाम पॉलिटिशियंस को दें, आप इसका इल्जाम मीडिया को दें, आप किसी को भी इल्जाम दें, लेकिन मैं आपको हकीकत एक बात बताऊं, शायद थोड़ी सी सख्त लगे, लेकिन बाबा बुल्ले शाह सरकार ने कहा था कि बुजदिल किथे ना समझ लैण दिल औकातों डरदा, बुजदिल किथे ना समझ लैण दिल औकातों डरदा, इससे गले डरदे किथे मैं दिल दी गल नहीं करदा यारो, दिल दी गल नहीं करदा, सच आखां ते पांबड़ मचदा, झूठ आखां ते कुछ बचदा है। सो बात जनाब, बात यह है कि चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी फेमस शख्सियत हो, कुछ भी हो, आपके अंदर से वही निकलेगा जो आपके अंदर है। आप अब्दुल सत्तार ईदी क्यों नहीं बन गए? मीडिया ने तो अब्दुल सत्तार ईदी को भी दिखाया। आप चाइनीज फिल्में देख के चाइनीज इतनी रवानगी से क्यों नहीं बोलना शुरू हो गए? इवन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि नशे की हालत में होते हैं तो इस तरह के काम करते हैं। आप नशे की हालत में पश्तो क्यों नहीं बोलना शुरू कर देते अगर आपको पश्तो नहीं आती है तो? आप चाहे नशे में हो, चाहे आप मीडिया की वजह से किसी स्टेट में हो, चाहे आप किसी फेमस पर्सनैलिटी की वजह से स्टेट में हो, आपके अंदर से वही आता है जो आपके अंदर होता है। तो अगर आप बेहिस हैं तो वो बेहिसी आपके अंदर है, उसको आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मीमर मुझे इस वक्त सुन रहा है वो समझे कि पता नहीं शायद हमारे पीछे आज पड़ गया, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे खुद कहा कि मैं मजाक को पसंद करता हूं, मीम्स पसंद करता हूं, लेकिन किसी की जाती जिंदगी पर नहीं, किसी की मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं, किसी की मौत के ऊपर नहीं, किसी की तलाक के ऊपर नहीं, किसी की अब्यूजिव लाइफ के ऊपर नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर नहीं, चाइल्ड अब्यूज के ऊपर नहीं। सो जो इस वक्त मुझे सुन रहा है, ये तो हो गई वो बीमारी जिसका मैं जिक्र करना चाहता था आपके सामने। खैर, अभी कोई अगर मुझे सुन रहा है जो कि स्टेट से गुजर रहा है मेंटल हेल्थ से, देखो दोस्त, तीन बड़ी वजह जिसकी वजह से लोग मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस, किसी का छोड़ जाना इमोशनल क्राइसिस, या फिर सेहत के क्राइसिस। देखो बात यह है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि चलो तुम्हें अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम जानते हो तुम्हारे अंदर करोड़ों रुपए के प्लॉट्स मौजूद हैं, जो प्लॉट्स तुम हासिल करना चाहते हो, जो घर तुम बनाना चाहते हो, जो तुम गाड़ियां खरीदना चाहते हो, तुम्हारे अंदर 10-10 फॉर्च्यूनर्स मौजूद हैं। पूछो कैसे? हमारे एक जानने वाले थे, बहुत अमीर थे, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ, उनका प्लॉट था उनको बेचना पड़ा, उनका एक घर था उनको बेचना पड़ा, एंड पर वो वक्त आ गया कि उन्होंने अपनी बड़ी गाड़ी बेचकर छोटी गाड़ी ले ली। आपको कैंसर नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह ताला जब आपको नवाजता है ना, जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन देता है, असल में मैं फिर ये कहूंगा कि हमें खुदा का तारुफ ही सही नहीं करवाया गया। हम ये मानते हैं कि खुदा सबसे बड़ा है,
आप कैसे मानते हैं खुदा सबसे बड़ा जब आप उसकी तकसीम पर ही राजी नहीं है, जब आप उसकी तकसीम पर ही राजी नहीं है। उसने किसी को चाहा दौलत दे दी, किसी को चाहा औलाद दे दी, किसी को चाहा सेहत दे दी, किसी को चाहा आंखें दे दी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है आपकी औलाद आपसे ले ली जाए, आपको दौलत दे दी जाए, या आपकी दौलत आपसे ले ली जाए, आपको औलाद दे दी जाए, ये खुदा की तकसीम है। खुदा की तकसीम पर राजी ना होना हमें मेंटल हेल्थ की तरफ लेके जाता है। क्यों? यहां पे आपको एक राज की बात बता रहा हूं। खुदा करे ये बात मैं समझा पाऊं। आप दो चीजों का मजमुआ है, एक है मिट्टी, एक है रूह, दैट्स इट। जब आप मर जाते हैं तो आपकी मिट्टी यहीं पर रह जाती है, उसको दफना दिया जाता है। रूह चूंकि अल्लाह का अमर है, वो अल्लाह के पास चली जाती है। आप जब जब ऐसा काम करते हैं जो खुदा के कानून से मुनाफी होता है, आप अपने अंदर उदासी महसूस करेंगे। वो उदासी आपकी नहीं है, वो आपकी रूह की है, क्योंकि वो अल्लाह का अमर है। समझ रहे हैं मेरी बात? सो दूसरी बात, सेहत के हवाले से बहुत सारे लोग कंसर्न्ड होते हैं। हमेशा जिंदगी में याद रखना, आपने कितनी लंबी जिंदगी गुजारी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी गुजारी है इससे फर्क पड़ता है। वो है ना कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। इट इज नॉट अबाउट हाउ लॉन्गर यू लिव्ड, इट इज अबाउट हाउ यू हैव बीन लिव्ड। इसके अलावा जिंदगी में बहुत सारे मकाम ऐसे आते हैं, आपको चीजों को चुनना पड़ता है। जो बेहतर चीजें चुनता है अल्लाह की तकसीम पर राजी होता है, अल्लाह उसको यकीनी तौर पर वो भी नवाज देता है जो उसने सोचा नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें चाहिए, उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए। ताल्लुक बनाए, वो आपका है, आपके साथ है, सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। बस ये जो बेहिसी की बीमारी है, इसकी वैक्सीन लगवा लीजिए, इसकी वैक्सीन लगवा लीजिए। किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा, डाल तू नजर, हाँ
मेरा नाम जीशान नासिर है। मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुमे रात की रात 10 से 12, हर जुमे की रात 10 से 12 और हर इतवार की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहें तो सबसे आसान और तेज तरीन रास्ता मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का है। आप इंस्टाग्राम पे जाके जीशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए, वहाँ पर थ्रू मैसेज थ्रू इनबॉक्स मुझे आप अपना फीडबैक पहुँचा सकते हैं। सेम गोज ऑन फेसबुक एज वेल, फेसबुक पे भी जीशान नासिर लिखोगे मैं मिल जाऊंगा, थ्रू मैसेज मुझे आप अपना फीडबैक पहुंचा सकते हो। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर मांगना पड़े जरूर मांगिए। खुश नसीब है वो आंख जो गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार ददामन दूहा जहाना दाओ साडा जामन उदामन, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जमानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे गलती हो जाती है। अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई, परफेक्ट हैं आप, तो ठीक है, पर चलने दें जैसे चल रहा है, नहीं तो छोड़ फरीद ना याद दामन दूहा जहां ना दाओ साडा जामन। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, जिंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी जुमेरात की रात 10 बजे FM 101 चैनल पाकिस्तान में। आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। टिल देन नेक्स्ट टाइम जाएं जीशान नासिर को दीजिए इजाज़त। जीशान नासिर साइंस आउट। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। रब का रास्ता तेरी किस्मत तू बदल।